दोस्तों ये रहा होंडा हॉर्नेट 2.0 रेपसोल एडिशन 2021। होंडा ने अपने डियो एंड हॉर्नेट 2.0 को रेपसोल एडिशन में लॉन्च किया है। होंडा ने होंडा रेपसोल रेसिंग टीम से इंस्पायर्ड होकर ये दोनों मॉडल को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है। दोस्तों इससे पहले मैंने होंडा डियो रेपसोल एडिशन का एक वीडियो बनाया था, आप ऊपर आई बटन में जाके वीडियो देख सकते हैं। अभी इस बाइक को न्यू एलॉय व्हील्स, कस्टमाइजेशन और नया ग्राफिक्स के साथ होंडा ने मार्केट में उतारा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मोशन ऑफ बंगाल यूट्यूब चैनल का और एक ब्रांड न्यू एपिसोड, और मैं आपका होस्ट शाश्वतो। मैंने ये वीडियो बनाया है सिद्धि होंडा बेलूर हावड़ा में। इस शोरूम का कॉन्टैक्ट और डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और इस शोरूम का इजी फाइनेंस स्कीम जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि इस चैनल का हर एक लेटेस्ट कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। जो लोग कस्टमाइजेशन के शौकीन हैं उन लोगों के लिए ये गाड़ी एक बहुत ही बढ़िया एंड ज़बरदस्त ऑप्शन मुझे लग रहा है। बहुत ही स्टाइलिश ग्राफिक्स एंड कलर स्कीम का यूज़ इस बाइक में मिल जाता है। दोस्तों हॉर्नेट 2.0 में जो फीचर्स मिलता था वो सेम फीचर्स इस बाइक में देखने को मिलता है, बस कस्टमाइजेशन और नया ग्राफिक्स इस बाइक में ऐड हुआ है। और प्राइसिंग की बात करें तो हॉर्नेट 2.0 से 2000 रुपये ज़्यादा प्राइस इस बाइक में आपको देना पड़ेगा। और दोस्तों हेडलैम्प का बात करें तो इसमें हॉर्नेट 2.0 के जैसा ही फुल्ली LED टाइप हेडलैम्प देखने को मिल जाता है, जिसका नाइट विजिबिलिटी और रोशनी बहुत ही शानदार है। और टेल लैम्प का बात करें तो हॉर्नेट का अपना एक्स टाइप टेल लैम्प इस बाइक के रियर में देखने को मिल जाता है, जो कि अगेन फुल्ली LED है। और दोस्तों साइड इंडिकेटर्स की बात करें तो इस बाइक में फुल्ली LED इंडिकेटर्स दिया गया है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया फीचर है इन दिस सेगमेंट। और इसमें हैजर्ड लाइट इंडिकेशन भी दिया गया है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया सेफ्टी फीचर्स मुझे देखने को लगा। इस बाइक के फ्रंट एंड रियर में फिक्स टाइप LED टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाता है। और दोस्तों मीटर कंसोल की बात करें तो इसमें फुल्ली LED मीटर कंसोल देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। इसके मीटर कंसोल में आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, दो ट्रिप मीटर, डिजिटल क्लॉक, RPM मीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, न्यूट्रल इंडिकेटर, ABS इंडिकेशन, हाई बीम लो बीम इंडिकेशन, इंजन मैलफंक्शन लाइट्स और सारा नेसेसरी टेल इन्फॉर्मेशन आपको इसके मीटर कंसोल में देखने को मिल जाएगा। इसमें बैटरी वोल्टेज इंडिकेशन भी देखने को मिल जाता है, और इसका ट्रिप मीटर आप रीसेट भी कर सकते हैं, और एक बढ़िया ऑप्शन इसका ब्राइटनेस के लेवल भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। स्विच गियर कंसोल की बात करें तो इसके राइट साइड के हैंडल बार में सेल्फ स्टार्ट, हैजर्ड लाइट इंडिकेशन का स्विच एंड इंजन किल स्विच देखने को मिल जाता है, जिसका क्वालिटी बहुत ही डिसेंट है। और लेफ्ट साइड के हैंडल बार में हॉर्न का स्विच, टर्न इंडिकेटर्स, हाई बीम लो बीम एंड पास का स्विच आपको देखने को मिल जाता है। इंजन का बात करें तो दोस्तों इसमें 184.4 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 2 valve प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिल जाता है, जिसका मैक्सिमम पावर है 17 bhp और मैक्सिमम टॉर्क है 16.1 Nm। दोस्तों अभी हम बात करें इंजन के बारे में तो इंजन अभी बहुत ही रिफाइंड एंड स्मूथ है, यानी कि बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस आपको इसके इंजन से देखने को मिल जाएगा। और ये बाइक 5 gear सेटअप में आता है। दोस्तों इस बाइक में अभी कोई किक स्टार्ट का ऑप्शन नहीं मिलता है, यानी कि सिर्फ सेल्फ स्टार्ट ही आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों इस बाइक के इंजन के नीचे एक इंजन काउल भी दिया गया है, और इंजन काउल के नीचे एक्स्ट्रा कैटालिटिक कन्वर्टर आप देख सकते हैं। होंडा की ब्रांडिंग स्टिकर के ऊपर दिया गया है, और इंजन काउल में भी होंडा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। दोस्तों रेपसोल हॉर्नेट 2.0 का बैजिंग स्टिकर के ऊपर इस बाइक के फ्यूल टैंक के ऊपर देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया लुक दे देता है। दोस्तों होंडा का अपना हेड BS6 का बैचिंग इस बाइक के साइड पैनल्स में मिलता है, और इस बाइक के फ्रंट मडगार्ड के ऊपर भी रेपसोल का स्टिकरिंग दिया गया है। दोस्तों टायर्स की बात करें तो दोनों ही तरफ आपको 17 इंचेस का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही चौड़े किस्म का है। आगे की तरफ 110x70 साइज का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है। और दोस्तों ब्रेकिंग का बात करें तो इसमें सिंगल चैनल ABS देखने को मिल जाता है। इसमें 276 mm का पेटल डिस्क मिल जाता है, जो कि सिंगल चैनल ABS में काम कर देता है। दोस्तों फ्रंट सस्पेंशन की बात किया जाए तो इसमें USD फॉक्स यानी कि अपसाइड डाउन सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अनोखा फीचर है इस सेगमेंट में। और 276 mm का पेटल डिस्क है, जो कि सिंगल चैनल ABS में काम कर देता है।
और पीछे की तरफ देखें तो 140x76 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है। और दोस्तों इस बाइक में कोई रेडियल टायर का यूज़ नहीं हुआ है, इसमें नॉर्मल जैपर टाइप ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है। दोस्तों इसका रियर टायर बहुत ही चौड़ा है। दोस्तों इसके पीछे के ब्रेकिंग की बात करें तो इसमें 220 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। इसमें एक डुअल चैनल ABS मुझे कम लगा, अगर इसमें डुअल चैनल ABS होता तो और भी बढ़िया होता। दोस्तों सस्पेंशन के जो मैंने बताया पहले, इसमें USD फॉक्स यानी कि अपसाइड डाउन सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया एंड अनोखा फीचर से इन दिस सेगमेंट। और दोस्तों रियर सस्पेंशन की बात करें तो इसमें 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, और इसमें पहले जैसा ही एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है जो कि पहले हॉर्नेट में देखने को मिलता था। दोस्तों फ्यूल टैंक की बात करें तो इसमें एक 12 लीटर का एक बहुत ही हेवी एंड मस्कुलर सा फ्यूल टैंक आपको देखने को मिल जाता है, और फ्यूल टैंक के ऊपर रेपसॉल का ब्रांडिंग बहुत ही एक ह्यूज साइज से लिखा गया है, और टैंक के ऊपर कार्बन फाइबर का यूज़ देखने को मिल जाता है। सीट का बात करें तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का सीट मिलता है। राइडर सीट एंड पिलियन सीट के बीच में बहुत ही डिफरेंस है, यानी कि पिलियन सीट बहुत ही ऊंचा है शॉर्ट हाइटर्स के लिए, पिलियन सीट मेरे ख्याल से थोड़ा हाइट है। और दोस्तों इसके पीछे ट्विन स्प्लिट टाइप ग्रैब हैंडल्स भी दिया गया है। दोस्तों होंडा ने इसका बिल्ड क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ इधर नहीं किया है। चेन का बात करें तो इसमें फुल्ली ओपन चेन मिलता है, यानी कि कोई चेन का कवर इसमें देखने को नहीं मिलता है। और फुटरेस्ट का बात करें तो एल्युमिनियम टाइप फुटरेस्ट इसमें देखने को मिलता है, और साड़ी गार्ड का ऑप्शन भी इधर देखने को मिल जाता है। दोस्तों माइलेज का अगर हम बात करें तो इस बाइक से लगभग 40 से 45 kmpl का माइलेज मिल सकता है अगर आप एक डिसेंट वे से इस बाइक को चलाएं। और टॉप स्पीड का बात करें तो 130 से 135 का स्पीड आप इस बाइक से अचीव कर सकते हैं। दोस्तों इस बाइक का सीट हाइट है 790 mm, जो कि एक शॉर्ट हाइटर्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। दोस्तों इस बाइक का व्हील बेस है 1300 mm, और इस बाइक का कर्व वेट है 142 kg। कोलकाता में इस बाइक का एक शोरूम प्राइस है 1.30 लाख, और इस बाइक का ऑन रोड प्राइस है 1.50 लाख। तो दोस्तों आपको ये बाइक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून ऑन आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।